सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि कहानियों के जरिए हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी गांव में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा ही मीठा शहद था उसका, परंतु वो उस गांव में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और जल्दी ही वो उस गाँव को छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैलगाड़ी भरकर लाया और धीरे धीरे उस गांव में उसकी धाक जम गई। उस गांव के एक लड़के को बड़ा ही आश्चर्य हुआ तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी पिताजी ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे का सेठ बन गया। उस लड़के के पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो इंसान कड़वी बोली रखता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर मिले उस लड़के को, उस बच्चे को। बिकॉज दुनिया में जितने भी आप महान हस्तियों को देखोगे या उसको सुनोगे तो उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको कि वो बड़े ही हम्बल होते हैं। अगर मैं इन सारी बातों को समअप करूं, बिल्कुल सिंपल वे में कहूं, तो वो ये है कि इंसान अपने लाइफ में हमेशा अपने बातों से उठता है और अपने बातों से गिरता भी है। इसलिए अपने लाइफ में हमेशा मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाते जाते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।